अरे किशन, ओ किशन। अरे मुकेश, कैसा है? मैं ठीक हूँ। तू पढ़ने शहर क्या गया? हमें तो भूल ही गया। कैसी बात करता है किशन, बचपन के दोस्त को कभी भुलाया जाता है क्या? चला घर चलते, खूब बातें करेंगे। चल अच्छा ये बता, खेती कैसी चल रही है? फसल तो अच्छी हो रही है ना? और अब तो तेरी शादी भी हो गई, भाभी घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई है। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन खेती बाड़ी कुछ अच्छी नहीं चल रही। लगता है कि धरती की उपजाऊ क्षमता ही खत्म होती जा रही है। खाद, यूरिया, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करा, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो लगता है कोई और ही काम धंधा ढूंढना पड़ेगा मुझे। ऐसे परिवार कैसे चलेगा मुकेश? किशन अजी सुनो, तुम अभी तक यही टहल रहे हो? ए, हाँ हाँ हम आ ही रहे थे। आज खाना होना नहीं खाना है क्या? खाना खाना है, हम तो सीधे सीधे घर ही आ रहे थे। ये लो इनसे मिलो, ये मेरा बचपन का दोस्त मुकेश। ओ ये मुकेश भैया है। भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी, बहुत तारीफें सुनी है इनसे आपके बारे में। अब सारी बातें क्या सड़क के बीच में खड़े होके करोगे? कुछ बातें घर भी चल के करते हैं। ठीक है चलो। चलिए भैया, ये हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो शहर जाके बहुत बड़ा आदमी बन गया है और वहाँ पे कृषि विज्ञान की पढ़ाई भी कर रहा है। अरे भाभी, ये तो हमेशा मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा देता है। देखो असली काम तो आप लोग कर रहे हो, धरती माँ की सेवा कर रहे हो, अन्न उपजाते हो, पूरे देश का पेट पालते हो आप लोग। देखा नहीं लगने लगा तुम्हें कि तुम्हारा पति किसी बड़ी पिक्चर का हीरो है और पूरे देश का पेट हम ही पालते हैं। अच्छा जी, तो फिर तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है मुकेश बैठो। और सुनाओ शहर का क्या हालचाल? अरे तू शहर की छोड़, तू उपज की बात कर रहा था ना, ये बताए समस्या सिर्फ तेरी है या बाकी किसानों की भी है? आखिर तकलीफ है क्या? अरे भाई अब तकलीफ एक हो तो बताऊं, मुझे लगता है कि हमारी मिट्टी कमजोर हो गई है। किशन भाई, मिट्टी की तकलीफ एक नहीं कई सारी हैं। मिट्टी के कटाव के कारण धरती के पोषक तत्व पानी और हवा के साथ बह जाते हैं। इसका संरक्षण विभिन्न घास की किस्मों, बांस के वृक्षों एवं बंद बनाकर किया जाता है। क्षारीय या लवणीय भूमि की समस्या भारत के कुछ प्रदेशों में विकट है। एल्कलाइन भूमि के लिए जिप्सम का प्रयोग और दोनों प्रकार की भूमि पर सहनशील किस्मों को उगाकर उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। पानी का जमाव भूमि को क्षारीय करता है। इस समस्या के निदान के लिए भूमिगत जल निकास तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। देश में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है, जिसकी पहली वजह है मिट्टी में कार्बनिक मात्रा व सूक्ष्म जीवों की कमी, दूसरी मुख्य पोषक तत्वों का गलत इस्तेमाल, तीसरी सूक्ष्म पोषक तत्वों का कम प्रयोग व चौथी उर्वरकों की उपयोग क्षमता में कमी होना। इन सभी कारणों का निदान बहुत ही जरूरी है। अच्छा तो ये बता, अपने खेत में खाद जो डालता है वो किस मात्रा में डालता है? वो हमारा पड़ोसी है ना बंसी, वो अपने खेत में जितनी खाद डालता है उसकी दुगनी खाद डाल देता हूँ ताकि फसल की पैदावार और अच्छी हो। बस यही तो तकलीफ है। क्या तुम जानते हो कि हम उर्वरक का सही इस्तेमाल नहीं करते? जो एनपीके अनुपात 4:2:1 होना चाहिए वो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 61:19:1 है, और इसका अर्थ है कि धरती माँ को सही खुराक दी ही नहीं जा रही। इसके अलावा हम नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, सल्फर व सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, आयरन, कॉपर का संतुलित प्रयोग नहीं कर रहे हैं। किशन सच तो यह है कि हम फसल तो अच्छी चाहते हैं, लेकिन फसल देने वाली इस धरती माँ की देखभाल ठीक से नहीं करते। देखभाल भैया, लेकिन ये तो दिन भर खेत में ही काम करते रहते हैं और मेरा भी सारा वक्त वहीं गुजरता है। कितने काम होते हैं भैया खेत में। भाभी आपकी बात 16 आने सही है, पर क्या आप लोग मिट्टी की जाँच करवाते हैं? क्या आपको पता है कौन सा उर्वरक कब और किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए? और इससे क्या लाभ होगा भैया? भाभी मिट्टी की जांच से उसके पीएच मान का पता चलता है, इससे भूमि के क्षारीय या अम्लीय होने की जानकारी मिलती है। इसके आधार पर हम भूमि में सुधारकों का प्रयोग करते हैं। घुलनशील लवणों की मात्रा व भूमि में उपलब्ध जीवांश और प्रमुख व सूक्ष्म तत्वों के स्तर की जानकारी मिलती है। वो अपना बंसी है ना,
उसने भी इसी तरह की कोई जांच कराई थी। पर मुकेश भाई, क्या ये जांच भर कराने से हमारी फसल अच्छी हो सकती है? नहीं किशन, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता ज़रूर लग जाएगा कि हमारी मिट्टी को क्या चाहिए। और अब तो ऐसा समय आ गया भैया कि क्षेत्र और फसल के आधार पर रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हम तो खाद का इस्तेमाल पहले से करते आ रहे हैं। हाँ दोस्त, लेकिन किस खाद को किस तरह की मिट्टी के लिए और किस मात्रा में प्रयोग करना है, ये जानना भी आवश्यक है। मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य को सुधारने के कई उपाय हैं। अपने खेत से प्राप्त फसलों के अवशेष और घर के कूड़ा करकट से भी खाद तैयार की जाए। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद भी एक सरल तरीका है। वर्मी कंपोस्ट से उच्च गुणवत्ता की अच्छी खाद मिलती है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का एक और घटक है जैव उर्वरक। इसके उपयोग से लगभग 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फसल को प्राप्त हो जाती है। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें फसल के आधार पर सल्फर, जिंक, फेरस आदि जैसे सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति करनी चाहिए। किशन, एक और महत्वपूर्ण बात है कि उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। पानी में घुलनशील उर्वरकों का ड्रिप इरिगेशन द्वारा उपयोग करना लाभदायक होता है। जीरो टिलेज द्वारा सीधी बुआई एवं लेजर लैंड लेवलर द्वारा खेत को समतल करने जैसी उन्नत तकनीकी व सस्य क्रियाओं से मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। किशन भाई, भारत के सर्वोच्च कृषि संस्थान द्वारा मक्का व गेहूं में वर्षों के अनुसंधान के बाद ये पाया गया कि 100% एनपीके के साथ गोबर की खाद डालने से अधिकतम उत्पाद मिलता है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी उत्कृष्ट रहता है। मुकेश भाई, तूने बातें तो बहुत अच्छी बताई, इन बातों की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। बस बस, ये बातें बंद करो और जल्दी जल्दी खाना खाओ। भैया, मुझे आज पता होता ना कि आप आने वाले हो तो कुछ बढ़िया खाने के लिए बनाती। आज तो बस ऐसे ही सादा खाना बनाया हुआ है। भाभी, जो मजा गांव की दाल रोटी में है ना, वो किसी पकवान में कहां। जो दाल रोटी हम इतने चाव से खा रहे हैं, इसकी आपूर्ति करना पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। पूरी दुनिया के कृषि वैज्ञानिक इस काम में लगे हैं किस तरह मिट्टी को और उपजाऊ बनाया जाए ताकि लोगों को अन्न मिल सके व किसानों को अच्छी आमदनी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने इसलिए वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित किया है। 5 दिसंबर को तो विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सारे विश्व के वैज्ञानिक चिंतन कर रहे हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है जिससे अन्न की कमी ना हो। हमारे प्रधानमंत्री भी इस दिशा में बहुत ध्यान दे रहे हैं और इसलिए हर राज्य में मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड बनाने पर जोर दे रहे हैं। देश भर में करीब 650 मिट्टी जांच केंद्र व 120 मोबाइल वैन्स इस काम में जुटे हैं और 1000 से अधिक मिट्टी जांच केंद्र स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि हर किसान अपनी मिट्टी की जांच करवा सके और हम घर की दाल रोटी का आनंद ले सके। अब ये बातें खत्म कीजिए और जल्दी जल्दी खाना खा के तैयार हो जाइए। भूल गए क्या आप दोनों के दोनों, आज गांव में किसान सभा भी तो है, जाना नहीं है क्या? चलो। अभी आप किसान भाइयों को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे ही गांव के जो मुकेश भाई कृषि स्नातक होकर लौटे हैं, तो मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए मुकेश भाई।
तुम सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोई जी, क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? मुकेश के सवाल ना मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। क्या सच में हमारी पैदावार बढ़ेगी? क्या सचमुच हमारी जमीन उपजाऊ होगी? देखो जी, कल जब मुकेश भैया से मिलोगे ना तुम, तो अपने सारे सवालों के जवाब ले लेना। किशन, किशन, अरे यहाँ क्यों बैठे हो सुबह सुबह? और ये क्या, इतने मायूस और उदास लग रहे हो? लगता है रात भर सोए नहीं, क्या हुआ भैया? भाई मुकेश, कल जो तुमने हमें बात समझाई वो हमारी समझ में आ गई, पर क्या तुम्हें लगता है कि हम वैसा कुछ कर पाएंगे? क्यों नहीं किशन, देख उर्वरक उपयोग में सही मात्रा, सही समय, सही तरीके और सही खाद के इस्तेमाल का प्रभावी उपयोग में बड़ा महत्व है। तुम्हारा मतलब यह है अगर मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा तो क्या मेरा भी खेत फलेगा फूलेगा? बिल्कुल किशन बिल्कुल, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता क्यों करते हो? खेत के अलग अलग स्थानों से लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई से आधा किलोग्राम मिट्टी का नमूना जमा करके उसे एक थैली में डालकर प्रयोगशाला में भेज दें। प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच कर किसानों को मिट्टी की उर्वरा शक्ति के आकलन के साथ साथ फसल के लिए खाद, उर्वरक व भूमि सुधारकों की सिफारिश सॉइल हेल्थ कार्ड पर दी जाती है। किशन भाभी, आप लोगों की मेहनत रंग लाई। क्यों किशन, अब ये हुआ कैसे? बस मुकेश भाई, तुम्हारी सिखाई हुई बातों का ध्यान रखा और हो गया। जैसे धरती को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यदि इनमें से कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। मिट्टी के जांच के आधार पर सिफारिश किए गए तत्वों का उपयोग करो, बस। और पोषक तत्व को सही मात्रा देने के लिए हमें समन्वित पोषक तत्व प्रदान करना होता है, यानी कि खेत में कंपोस्ट खाद, रासायनिक खाद, जैविक खाद, फसल चक्र, इन सभी को काम करना होता है। और खाद देने का सही तरीका और सही समय अपनाना होगा, जिससे उसकी उपयोग क्षमता का पूरा लाभ मिले। इससे प्रति किलोग्राम पोषक तत्व से अधिक उपज प्राप्त होती है। और खाद के गलत इस्तेमाल से भूमि, जल और हवा का प्रदूषण भी हो सकता है। सक्षम उपयोग कर हमें पर्यावरण को भी बचाना है। और स्वस्थ भूमि ही स्वस्थ फसल देगी, और स्वस्थ फसल से ही हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। अरे वाह किशन, तुम तो खेती में एकदम एक्सपर्ट हो गए हो। धरती माँ का ध्यान करो, मोती खेतों में भर लो। भाग्य लक्ष्मी हमारी तुम से हर घर के भाग जगे। धरती अपनी माँ, धरती अपनी माँ, तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मा तुझे सलाम।